हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ सब कोई खुश हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, मुस्कुरा रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं मेरे एक सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट लेकर के आई हूँ, जो कि है व्हाइट टोन क्रीम के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मुझे मेरे एक प्यारे से ब्यूटीफुल से व्यूअर्स ने सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि दी आप ये व्हाइट टोन वाला क्रीम का रिव्यू लेकर के आइए। तो आज मैं लेकर के आ गई हूँ ये व्हाइट टोन का क्रीम, जो कि कुछ इस तरह का पैकेजिंग में है। इसके बारे में प्रॉन एंड गज सारा कुछ आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। ये कुछ भी नया प्रोडक्ट नहीं है, बहुत पुराना लॉन्च प्रोडक्ट है। बट इस वजह से कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, मुझे लगा जेन्युइनली कि मुझे भी इसको ट्राई करके आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। रिक्वेस्ट किए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं एंड सॉरी फॉर दैट कि मैंने लेट कर दिया वीडियो लाने में। बट आप जानते ही हैं दोस्तों कि मैं यहाँ पे कुछ भी उठा करके आपके सामने नहीं बोल देती, जेन्युइनली अपने ऊपर ट्राई करती हूँ एंड देन उसके बाद मैं अच्छा और ऑनेस्ट और जो भी मुझे इसका एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे लेट हो गया है, बट कोई नहीं, जो भी है आज आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जान लेते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप कोई ऐसे जन हैं कि आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो आपको मैं विनम्र निवेदन करूंगी और बहुत बहुत स्वागत करूंगी अपने चैनल पर। और ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और ये है व्हाइट टोन का क्रीम, जो कि बहुत ही जानी मानी है और अभी ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा ये क्रीम एंड इसका पाउडर। बट आज हम बात करेंगे व्हाइट टोन सॉफ्ट एंड स्मूथ क्रीम के बारे में। एंड ये जो क्रीम है दोस्तों, इसके ऊपर इतना ही लिखा हुआ है कि ये हाइड्रेटिंग है एंड सन प्रोटेक्शन। और पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या वीडियो क्लेम कर रहा है। तो इसके पैकेज में ये देखिए कुछ इस तरह का पैकेजिंग है, आउटर पैकेजिंग। अगर हम इसका इनर ट्यूब देख लें तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह का ट्यूब आता है। अगेन मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम पैकेज के बारे में जाएंगे। और पैकेज देखिए, ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, ऊपर में मेंशन किया हुआ है कि हाइड्रेटिंग है एंड सन प्रोटेक्टर है, फेस क्रीम ही है। एंड इसका नेट वेट है 25 ग्राम, एमआरपी है 75 रुपीज़। तो काफ़ी ज़्यादा एफोर्डेबल है। और देखते हैं कि आगे में इसका क्या क्या है। इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर हम दोस्तों बात करें तो इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा इंग्रेडिएंट्स लिस्ट डाला हुआ है, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल इतना सारा। और बेसिकली अगर हम बात करें तो ये पाराबीन फ्री प्रोडक्ट नहीं है, इसमें पाराबीन SLS का मौजूदगी है। तो अगर आप ऐसे कोई जन हैं कि पाराबीन से आपको आप कंफर्ट नहीं है तो आप इसका यूज़ ना करें। और बाकी अगर कोई ऐसे जन है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज़ करते हैं, तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका डायरेक्शन कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसमें बस इतना ही लिखा है कि आप इसको फेस पे अपने ही जब भी मन चाहे अप्लाई कर लीजिए। और इसमें कुछ नहीं है, ना ही कुछ कुछ भी इसमें ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया गया है दोस्तों कि ये किस वजह से मतलब डिज़ाइन किया गया है। खास करके लिखा हुआ है कि सन प्रोटेक्शन है एंड हाइड्रेटिंग है, तो ये दो पॉइंट को तो हम देखेंगे। साथ में सॉफ्ट एंड स्मूथ करेगा आपके फेस को, इसके ऊपर भी हम जब इसको अप्लाई करेंगे तब हम देख लेंगे। तो चलिए, इसमें और कुछ खास है नहीं, हम चलते हैं डायरेक्ट इनर पैकेज के ऊपर। तो दोस्तों ये भी देखिए, इनर पैकेज में भी वही सेम चीज़ लिखा हुआ है कि ये हाइड्रेटिंग एंड सन प्रोटेक्शन है। और दोस्तों सबसे पहले कि इसमें जो सन प्रोटेक्शन लिखा हुआ है, इसमें ना कुछ भी SPF का या फिर PA+ कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो कैसे मान लें कि ये सन प्रोटेक्शन हमको देगा। सबसे वाला ये मुझे एक इसका नेगेटिव पॉइंट लगा। एंड बाकी सब तो सेम ही है। इसका सेल्फ लाइफ आपको 1 ईयर का ही ओनली मिलता है। तो चलिए फिर 20 ग्राम का प्रोडक्ट है, देख लेते हैं। पैकेजिंग काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है और क्यूट सी पैकेजिंग है। कलर बहुत मस्त है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसका टेक्सचर के अगर बारे में मैं आपको बताऊं तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बेबी लाइट पिंक कलर है और ईजीली ब्लेंड हो जा रहा है हाथ पे, मतलब स्किन पे। और इसको हम अभी फेस पे भी अप्लाई करके देखेंगे। तो देखिए, ये बहुत इजीली ब्लेंड भी हो गया। टेक्सचर अगर हम इसका बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर में है, ज़्यादा ऑयली नहीं लग रहा है।
तो फिर चलिए इसको हाथ पे लगाए क्या फायदा, देख लेते हैं। आप ये देखते हैं, अच्छा मतलब इमीडिएट इसका जो आप अगर इसका देखना चाहें ब्राइटनिंग, जो व्हाइट टोन इसका लिखा हुआ है, तो थोड़ा बहुत ये आपका शेड को लाइट कर सकता है। बट ऑनेस्टली अभी मैंने फेस पे अपना कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ है, हल्का सा लिप कलर है एंड आईब्रोज है। अभी मैं सबसे पहले अपना फेस पे प्राइमर अप्लाई करूंगी, क्योंकि कुछ भी लगाती हूँ दोस्तों मुझे प्राइमर मोस्ट जरूरी होता है, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती अपने फेस पे कोई भी क्रीम या ये को लेकर के। तो फटाफट से मैं यहाँ पे अपना प्राइमर जो है उसको अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा सा। और जो भी रीजन या फिर रिजल्ट है मैं इसके ऊपर क्या है वो आपको अभी तुरंत ही बता देती हूँ। तो और ये देखिए, हम इसका कुछ यहाँ पे ले लेते हैं, और सबसे पहले हम एक ही साइड पे अपना फेस का यूज करके देखते हैं, ताकि आपको फर्क बहुत ही अच्छे से पता चल सके। और ये हैंड क्रीम है, मतलब आप इजीली इसको हाथ से ही ब्लेंड कर सकते हो, आपको कोई ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, हर टाइम में आप ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल करना पॉसिबल भी नहीं होता है, कभी कभी जल्दी में रहते हैं हर कोई, तो इस वजह से। और ये देखिए डॉट डॉट फॉर्म में मैंने अप्लाई कर लिया, एंड इसको बहुत ही अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो फटाफट से ब्लेंड कर देती हूँ, और ये ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जा रहा है दोस्तों, बहुत ही इजीली ब्लेंड हो रहा है। आंखों के अंदर नहीं जाना चाहिए कुछ भी है, तो थोड़ा सा केयरफुली करते हैं। एंड यस दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कितना इजीली ये ब्लेंड हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं मैंने एक साइड पे बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है दोस्तों, और आप इसका जो डिफरेंस है वो देख सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा ये है मेरा नॉर्मल स्किन, एंड ये है मेरा व्हाइट टोन अप्लाई किया हुआ क्रीम वाला साइड, जो आपको कैसा लग रहा है बताइए। और मैं अगर अपनी बारे में बताऊं तो दोस्तों, ये वाला जो है ना, ये वाला साइड मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस साइड। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले प्राइमर भी अप्लाई किया हुआ था, बट फिर भी मेरा ये साइड आफ्टर ये क्रीम अप्लाई करने के बाद जो है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब रॉफ फिनिश में है, और ये वाला बहुत ज़्यादा स्मूथ है। ये नहीं बोलूँ कि प्राइमर अप्लाई करने के बाद आपका स्किन जो है वो रफ ही रह रहा है, ऐसा नहीं है, बट हाँ व्हाइट टोन क्रीम अप्लाई करने के बाद ये वाला साइड जो है मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ एंड बेबी सॉफ्ट जैसा स्किन लग रहा है, डेफिनेटली नो डाउट। एंड ये इतना बोलूँ कि ये जो शेड है वो ज़्यादा हद तक नहीं चेंज हुआ है, बट हाँ आप देख सकते हैं ये जो साइड है दोस्तों, ये आपको लगेगा एक हल्का सा मैट फिनिश आ जा रहा है। एंड अगर आप ऐसे जन कोई हैं कि रोज़ाना मेकअप लेना पसंद नहीं करते, तो ऑब्वियसली आप ये व्हाइट टोन पाउडर क्रीम के ऊपर जा सकते हैं। और चलिए फिर मैं फटाफट इस तरह साइड में भी अप्लाई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या है इसका रिजल्ट। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं मैंने अपना पूरा फेस पे अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया है, एंड ये मुझे बहुत ही हल्का सा एक वेलवेटी लुक दे रहा है। मैंने इस साइड पे थोड़ा सा कम लिया हुआ था, इन साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा, तो थोड़ा सा मुझे ये वाला साइड डल लग रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो मैं और थोड़ा सा लेकर के अप्लाई करके देखती हूँ, इट मीन्स कि और एक हल्का सा ऊपर में एक कोट लगा के देखती हूँ कि क्या हो रहा है। और अगर कोई जन है ऐसे कि आप डेली आपको मेकअप लेना है बट आप फाउंडेशन का यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप इस क्रीम के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सीसी क्रीम बेबी क्रीम में भी हल्का सा फाउंडेशन का एडेड होता है वो, तो हम लोग का चेहरे के लिए भी
अच्छा उतना नहीं होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाला क्रीम जो है रेगुलर डेली मेकअप के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसे कोई जन हैं जो कि ज्यादा मेकअप नहीं चाहते या फिर फाउंडेशन का यूज नहीं करना चाहते, तो आप ये क्रीम के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। एंड जी हाँ दोस्तों, मुझे ये वाला क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अभी जब से मैंने ये रिक्वेस्ट मुझे मिला था कि आप इसका इसके ऊपर वीडियो लेकर के आइए, तब से कम 1 महीना हो ही गया है मैं ये वाला क्रीम जो है यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा अभी करेंटली मतलब चल रहा है डे क्रीम के हिसाब से। डे क्रीम मतलब इसमें देखिए कुछ भी ऐसा नहीं मेंशन किया गया है कि आप इसको किस वक्त में ज्यादा अच्छा रिजल्ट के लिए यूज कर सकते हैं, और ना ही मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि ये आपके स्किन को जो ब्राइटन लुक है ना वो नहीं देगा। ऑब्वियसली ये आपको बस इमीडिएट एक तो व्हाइट टच स्क्रीन देता है, जैसे कि ओले का जो 7-in-1 ब्राइटनिंग क्रीम है ना, ओले नेचुरल व्हाइट का, ये कुछ उस तरह का ही क्रीम है। जैसे वो आपकी स्किन को सडनली एक तो ब्राइटन लुक प्रोवाइड करता है, ये क्रीम भी वैसे ही प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों अगर मैं बताऊं कि आप अगर इसको लेना चाहेंगे तो कोई भी टाइम पे इसको यूज करिए, बट ये ऐसा कोई कुछ भी मैंने सुना है काफी ज्यादा यूट्यूबर्स जो हैं वो बोले हैं कि आप इसको एज ए नाइट क्रीम भी यूज कर सकते हैं, बट आप इसको एज ए नाइट क्रीम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें स्किन केयर के लिए ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट्स डाला गया नहीं है। तो ये आपके स्किन में रात भर रहेगा तो एज ए मेकअप रहेगा, ना कि आपके स्किन केयर का कोई भी इंग्रेडिएंट्स रहता है वैसे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसको एज ए नाइट क्रीम यूज मत करिए, जस्ट आप इसको घर में ही मेकअप हल्का फुल्का लेना चाहते हैं तो उस टाइम में ही आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर आपको बाहर जाना है 2 मिनट का वक्त है, आपको तुरंत ही कुछ लगा लेके मेकअप रेडी होके जाना है तो आप ये वाला क्रीम का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर इसके बारे में मैं और कुछ अगर ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको बताने जाऊं तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये स्वेट प्रूफ नहीं है। अगर आपको ज्यादा अभी स्वेट होता है तो आपकी स्किन से ये बहेगा तो नहीं, जैसे कि फेयर एंड ग्लो बीबी क्रीम वो बह जाता था, ये बहता नहीं है। बट हाँ ये क्या होता है ना, जहां पे आप अगर इसको ऊपर में कॉम्पैक्ट के साथ सेट नहीं किए हैं तो ये आपके स्किन को अनइवन कर सकता है, आपका स्किन का जो लुक है उसको दिखा सकता है। या इट मीन्स कि आपका आपका अगर ऑयली स्किन है और आपका जो जो फेस से ज्यादा ऑयल होता है तो टी जोन एरिया में जैसे हो गया ज्यादा ऑयल सिक्रेशन होता है या फिर कहीं पर भी, तो वहां पे ये क्रीम जो है वो आपका निकलने वाली है। इट मीन्स कि वहां पे आपको ये ऑयली दिख जाएगी, आपका स्किन को इवनली हर जगह पे व्हाइटेड या फिर जो एक कलर था वो नहीं दिखेगा, पेचेस जैसा लगने लगेगा। आई थिंक कि अभी मैं करेक्ट वर्ड यूज की हूँ कि ये पेचेस आपके चेहरे को वो दिखा देगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसको अगर यूज करते हैं ऊपर में कॉम्पैक्ट भी यूज करिए, या फिर आप इसी का जो व्हाइट टोन का पाउडर है इसको भी यूज कर सकते हैं, वो भी काफी हद तक आपका ऑयल को कंट्रोल करता है, बट ये वाला क्रीम नहीं करता है। ऊपर से इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि ये कौन सा स्किन बालों के लिए, हाँ सुइटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, बट डेफिनेटली दोस्तों ये ऑल स्किन टाइप के लिए नहीं होगा। अगर आप डस्की स्किन वाले हैं तो ये क्रीम के साथ आप मत जाइए, बिकॉज कि ये क्या है ना, ये कोई भी स्किन टोन के ऊपर ये डिजाइन नहीं किया गया है, ये एक ही शेड आता है जो कि इतना ही उसका ब्राइटन है कैपेसिटी, वो वही शेड ही आपके वही कलर ही आपके ऊपर छोड़ेगा। तो अगर आप डस्की स्किन वाले हैं तो ये वाला जो है आपके स्किन पे बहुत ही अजीब लगने वाली है, आप इसके साथ मत जाइए। अगर आप फेयर हैं तो थोड़ा सा आपका कम्प्लेक्शन क्लियर है तो आप इसके साथ जा सकते हैं, ताकि आपको कोई भी आपका स्किन जो है वो नेचुरल लुक आ सके। तो जी हाँ दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसके बारे में मैंने अपना 100% कोशिश किया है आपको सही जानकारी दूं, अगर आप थोड़ा सा भी आपको वीडियो अच्छा लगा हेल्पफुल लगा तो प्लीज कमेंट करके बताइए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए, नमस्कार।